लोकशक्ति न्यूज नातं विश्वासाचं। उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कोसळ या गावी एका 20 वर्षीय मुलीचे मृतदेह घरात मध्यरात्री 1:30 आढळून आले आहे। करीना समीर शेख वय वर्ष 20 राहणार होनसळ तालुका उत्तर सोलापूर असे मृत मुलीचे नाव आहे। सदर मुलीचे लग्न गेल्या वर्षी जून महिन्यात समीर दादामिया शेख राहणार होनसळ याच्यासोबत मोठ्या थाटामाटा झाले होते। त्यानंतर त्यांना एक मुलगी झाली। सदर मुलगी सध्या 6 महिन्याची असल्याची माहिती समोर आली आहे। समीर आपल्या पत्नीस वारंवार तुझ्या माहेरीवरून पैसे घेऊन ये असे सांगून त्रास देत होता, तसेच त्याला त्याच्या घरच्यांची साथ होती असा आरोप करीनाच्या नातेवाईकांनी लावला आहे। समीर याचे एका दुसऱ्या मुलीबरोबर प्रेमसंबंध होते, त्यामुळे समीर हा आपली पत्नी करीनासोबत व्यवस्थित राहत नव्हता। समीरच्या घरचे करीनाला व्यवस्थित नांदवत नव्हते, त्यामुळेच त्यांनी करीनाला काल रात्री मारून टाकले आणि करीनाने स्वतः आत्महत्या केली असा बनाव करून आम्हाला फोन करून बोलावून घेतले अशी माहिती करीनाच्या माहेरच्या लोकांनी दिली आहे। त्यामुळे करीनाच्या सासरकडच्या लोकांवर आणि पतीवर जोपर्यंत पोलीस गुन्हा दाखल करून अटक करत नाहीत तोपर्यंत आम्ही करीनाचा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका करीनाच्या नातेवाईकांनी घेतली आहे। याबाबत तालुका पोलीस स्टेशनचे पोलीस पुढील तपास करत आहेत। साहब तुम्हें साहब ही जाओ, जाओ न्याय देखो देखो जाओ। हाँ बच्ची फांसी कैसा ली मेरी, कैसा ली मैंने बोलो, तकलीफ तो नहीं करते उन्होंने तो फांसी कैसा ली। हाँ क्या नाम क्या था? करीना शाबान शेख। उनकी शादी कब हुई और किससे हुई थी? 16 तारीख को शादी हुई। 16 तारीख कब? 16/5/21 में, ठीक है। किससे हुई थी शादी? समीर दादामिया शेख के साथ। क्या करते थे वो? वो काम धंधा कुछ करता नहीं। ओके तो तब से क्या हुआ था, क्या क्या दिक्कत थी आपको, आपकी बेटी को? दिक्कत था मेरी बेटी को, हमेशा पैसा मांगता था और उसकी खुद की जो बहन और उसका भौनी जो है वो अकेले ही उन्होंने हर इतवार को आने के नो यहाँ बेटी को टॉर्चर बना कर को मेरगन छोड़ने वाले, छोड़ को मेरगन से 30,000-40,000 रुपए बच्ची को देश हुआ, उन्होंने बच्ची को ना देने सबका प्लान के साथ मेरे बच्चों को उन्होंने तकलीफ करे। कब से हो रहा था ये शादी हुए पैसे चालू था? कितना पैसा दिया अभी तक? अभी तक मैं 4-5 लाख रुपए उनको दिया हमें पूरा तोड़। उसके बाद में बुलेट गाड़ी दिया। क्या हो गया रिसेंटली, क्या हो गया आपकी बेटी के साथ? क्या हुआ क्या आप बेटी के साथ? अभी रात में मेरे को 2 बजे उन्होंने बोला है। कौन बोला है? जो समीर ने। समीर कौन है? जो दामाद है, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा बेटी ने ऐसा ऐसा करी बोल। क्या बोल के करे? फांसी दे बोल के उन्होंने खुद कहे और बाद में से वहाँ जाने के बाद मेरे को खुद कहे की उन्होंने उन्हें फांसी लिए। घरगन दामाद ने खुद कहे कि हमें फांसी दे। उन्होंने रोने के नाद में उन्होंने गड़बड़ सी ये स्पीड से बात करी उन्होंने मुझे। वहां जाने के बाद तो भी नीचे पलंग है, 7 फुट की हाइट है, बच्ची मेरी 5-5.5 फुट की है, फांसी ले जा नहीं सकती मेरी बच्ची। उन्होंने खुद होकर सब जन मिल को फांसी दी मेरे बच्चे। किसको एंगल को लिए, फैन को लिए, किससे फांसी, किसके लिए? क्या पता अभी वहाँ वो लकड़ा होगा, वासा होगा, वासा वासे को ले लिया उन्हें। हाँ तो फिर उसके बाद में आपने हॉस्पिटल में कौन ले लाए थे? हॉस्पिटल में वो मैं जाने के बाद गाड़ी मंगाया, गाड़ी मंगाए बाद फिर उन्होंने ले आ गया, मैं 2-व्हीलर पे आया। कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे? सोलापुर रुग्णालय में। कब लिए थे, कितने बजे? 2 बजे रात में। रात में उसके बाद में क्या हुआ? क्या ने उन्होंने आधे घंटे घंटे में उन्होंने आगे बोले लेट खत्म हो गई बोल के बोले। बच्ची जागे पर खलास हुई थी, बच्ची को जैसा शादी हुई वैसा उन्हें 50,000 लाख, 30,000 लाख, 40,000 अभी तक दिया। बुलेट गाड़ी मैंने लोगो से दे ला है, बुलेट गाड़ी दुनिया को दिखाया नहीं, मैं किसको भी दिखाया नहीं की ये बाबा बुलेट गाड़ी में इसको दिया बोल के उनके जीवन उसने ऐसा दिखा बुलेट गाड़ी दिया। मेरी बेटी को सेक्स सामने नहीं कर कुछ तकलीफ आती, यहाँ डिलीवरी हुई, तुझे बेटी कैसा हुई, तुझे ना दाता नहीं, मुझे बेटा होने का हक था करके तब उसे साहब उसे तकलीफ करने लगा। तेरे बाप कंसे सुना ला, तेरे बाप कंसे पैसे ला, उन्हें बुलेट लेते थे हम सुधा, मेरे भाई ने ऐसा जुड़गा दिया तो उन्हें बुलेट लिया, दुकान डालने को भी पैसा मेरे भाई ने दिया तो उन्हें दुकान डालने ठहरा, फिर भी और भी
टच करने लगा मेरे भाई के बच्चे को। तू पैसे ले क्या, नहीं तो मैं तुझे नंदाता नहीं, मैं दूसरी छोरी रखस हूँ तांबलबाड़ी की, मैं उसके संगठ शादी करने वाला हूँ। तू मुझे पसंद नहीं कया, तुझे नंदाता नहीं कया, तू तेरे बाप को बोली तो तुझे जागे को खलास कर दूं कया, तुझे जागे को मैं छोट रखता नहीं करके कया। उसका ससरा, उसकी सास, उसकी ननद, गेम करने वास्ते ननद को दो दिन पहला बुला के ले, उन्होंने दिमाग से काम ले, एक गरीब के घर पर पत्थर डाले, उन्होंने गरीब वो ननद वकील ही ना है, उन्हें दिमाग से काम ली, सब तरफ से वशीला लगाई, दो दिन पहला ननद ने बुला के ले के ये काम करी। रात को ननद आती, देवर आता, ससरा आता, सास आती, सब जने मिलके मेरे भाई के बेटी को खलास करे, सब जने